दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारते ही और जो बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद पूरी दुनिया की राजनीति किस तरह से बदलने वाली है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ लड़ते हुए नजर आए और इस बात में पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ। अमेरिका से जो फंडिंग पाकिस्तान को मिलती थी वो हमेशा हमेशा के लिए यानी पिछले 5 सालों में लगभग बंद ही हो चुकी थी और पाकिस्तान काफी कर्ज तले दब चुका था क्योंकि अमेरिका से किसी भी प्रकार की कोई सहायता राशि पाकिस्तान को नहीं मिल रही थी। इसलिए अमेरिका में जो बाइडेन जीते हैं इस बात की खुशी पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा है। देखिए ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब तक उन्होंने भारत का खुलकर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी दिखी गई और विश्व जगत में एक बहुत बड़ा संदेश गया था कि अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और एक साथ कई तरक्की वाली बातें भी चल रही थी। लेकिन अगर आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देखो तो अब तक जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर तो वो सब के सब पाकिस्तान के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो काफी हद तक सही रहती। वो हमेशा से ही पाकिस्तान को फंडिंग दिया करते थे, सहायता राशि प्रदान किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया करता था और उन पैसों का इस्तेमाल करके वो भारत में हमेशा अपने आतंकवादियों को भेजा करता था। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी दोस्ती बने रहे या इनके बीच जो भी युद्ध वाली स्थिति रहे वो कभी खत्म ना हो। अमेरिका हमेशा ये चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होते रहनी चाहिए क्योंकि इसमें उसका खुद का निजी फायदा है और यही चीज वो पूरी दुनिया में भी करते चला आया है। देखिए हमारे देश में भी जो लोग ट्रंप के हारने से बहुत ज्यादा खुश हैं उन्हें खुशी इस बात की है कि जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं तो मुस्लिम देशों के प्रति जो बाइडेन की जो नीतियां होंगी वो काफी अच्छी होगी। तो आपको एक बात ये समझ जानी चाहिए कि अमेरिका अमेरिका है, उनकी राजनीति बदल सकती है, उनकी नीतियां कभी नहीं बदलती है। उनकी जो नीतियां थी वो हमेशा से ही दूसरे देशों के खिलाफ जो रही है वो हमेशा वही रहने वाली है कि आपस में एक दूसरे को युद्ध करवाते रहो और अपना फायदा लेते रहो। और इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जो लोग खुश हो रहे हैं कि ट्रंप हार गए तो उन्हें भी ये बात सोचनी चाहिए कि अगर भारत का कोई नुकसान होता है तो इसमें उनका खुद का भी नुकसान है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या समुदाय से क्यों ना जुड़े हो, इसमें उनका निजी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान। देखिए अमेरिका हमेशा ही दूसरे देशों को अपनी उंगलियों पर नचाते चलाया है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ कम नहीं है। वो जिस दिन अमेरिका जाएंगे जो बाइडेन के कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे कि जो बाइडेन मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं और जो बाइडेन वहीं पर पिघल जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा और जो भी जिन लोगों को लग रहा है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। उनके रिश्ते और भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि दुनिया में जो राजनीति चल रही है उसमें भारत को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज के मौजूदा समय में भारत अपने आप में एक विशाल शक्तिशाली देश बनते जा रहा है। अब इस बात को आप मानो या मत मानो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती थी वो काफी अच्छी थी और उस दौरान बराक ओबामा के शासनकाल के दौरान जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। तो ऐसा मत सोच के चलिए कि जो बाइडेन के बनने के बाद इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा, जो व्यापार वाली चीजें हैं वो रुक जाएंगी, ऐसा कतई नहीं होना। तो दोस्तों अब आते हैं उस मुद्दे पर कि अमेरिका के चुनाव जीतने के बाद पूरे दुनिया में जो राजनीति है वो किस तरह से बदलने वाली है। तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब इंडिया और चाइना के बीच गलवान में युद्ध हुआ था जहां पर हमारे काफी सिपाही शहीद हो गए थे और चाइनीज सिपाही भी मारे गए थे, तो उसके बाद भारत ने एक फैसला लिया था कि चाइना के साथ हम किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करने वाले हैं और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई थी। और इसके साथ ही भारत ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए चाइना के 224 ऐप को बैन कर दिया था और इसमें सबसे ज्यादा टिकटॉक और पबजी मोबाइल ये जो थे जो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इनसे चाइना की बहुत ज्यादा कमाई होती थी। तो भारत ने क्या किया, इन एप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, पबजी के ऊपर बैन कर दिया, टिकटॉक के ऊपर बैन कर दिया।
तो इस बारे में चाइना को भी काफी कुछ नुकसान होने लगा था। और मोदी जी ने इसके बाद एक संदेश दिया कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने देश में ही हर तरह की चीज को बनाएंगे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि इसके ठीक कुछ हफ्ते बाद अक्षय कुमार ने एक घोषणा की कि वो भारत में पबजी जैसा ही एक गेम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम फौजी होगा। हालांकि फौजी गेम को लेकर भी काफी विवाद उठा और किस तरह का विवाद उठा है ये बताने की अब जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है कि किस तरह का विवाद उठा था जिसके बाद अक्षय कुमार भी काफी रडार पर आ चुके थे। लेकिन आज जो खबर सुनने में आई है कि वो कुछ ऐसी है कि एक टेक वेबसाइट है टेलीकॉम टॉक, उसके अनुसार पबजी गेम जो है वो भारत में फिर से लॉन्च होने जा रहा है और इसकी लॉन्चिंग बहुत ही जोरदार तरीके से होने वाली है, जो दिसंबर महीने तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिसंबर महीने के शुरुआत में पबजी गेम दोबारा से इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसकी जो विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे कि ये आपके डेटा को हैक कर सकता है, आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है, इंडिया के सुरक्षा के लिहाज से पबजी गेम सही नहीं है, तो इन सभी चीजों में सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है पबजी मोबाइल की तरफ से। और ये कंफर्म है कि पबजी जो गेम है वो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो यहाँ पर अक्षय कुमार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि पबजी गेम के सामने फौजी गेम नहीं टिकने वाला है, क्योंकि पबजी गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसे बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग खेलते हैं और फौजी गेम ना खेलने की वजह ऐसी है कि अक्षय कुमार फिलहाल लोगों की रडार पर हैं, लोग उन्हें नफरत की नजर से देख रहे हैं, उनकी लक्ष्मी बॉम्ब को लोग ऑलरेडी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की अक्षय कुमार को लेकर बातें चल रही है। तो अक्षय कुमार के लिए दोहरी मार होगी, एक तो उनकी फिल्मों पर मार पड़ रही है, दूसरी तरफ फौजी गेम जो वो लॉन्च करने की घोषणा कर चुके थे, अब पबजी के आने के बाद फौजी गेम बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा और अक्षय कुमार के लिए करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो सकता है। देखिए आपको एक बात और बता दूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी भी देश का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, यहां तक कि पाकिस्तान भी। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है इनके बीच में, बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है, तीखी जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में ही एक जो आदान प्रदान होता है किसी न किसी सामान का, जो हमारे निजी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में जो जिन चीजों को हम उपयोग में लाते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहते हैं, लेकिन हर चीज के ऊपर आम जनता फोकस नहीं करती है, वो सिर्फ फोकस करती है कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि इंडिया मेरा दुश्मन है और वार होगा तो बहुत बड़ा मजा आएगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इन दोनों ही देशों के बीच बिजनेस चलता ही रहता है, हमेशा चलता है, कुछ टाइम के लिए भले ही बैन हो जाए लेकिन लगातार बिजनेस चलते ही रहता है। दूसरी तरफ ये भी सुनने को आ रहा है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो फिलहाल किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीमार चल रहे हैं और उनकी फैमिली ने कह दिया है कि भैया अब तुम छुट्टी ले लो और घर पर बैठो, तो व्लादिमीर पुतिन रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, देखिए यहाँ पर पूर्व आ चुका है, तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, अब वो तो है नहीं सत्ता में, अब वहां पर जो बाइडन है, जो बाइडन और चाइना की जो दोस्ती है वो बेहद अच्छी दोस्ती है, तो इंडिया किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ उसके रिश्ते खराब हो, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती काफी अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया को इसमें लॉस हो रहा है, चाइना के साथ चाइना भी ये चाहेगा कि इंडिया के साथ जो उसके रिश्ते हैं वो पहले की तरह हो जाए और उनका जो व्यापार है जो रुका हुआ है वो भी अपने करोड़ों के व्यापार को आगे बढ़ा सके, क्योंकि कोरोना की वजह से तो हर देश को लगभग मार झेलनी पड़ी है और चाइना के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ग्लोबल लेवल पर रुके पड़े हुए हैं, और ऐसे में चाइना ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ उसके रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो और उसे और भी ज्यादा लॉस फेस करने की जरूरत पड़े। और ऐसे में अगर मान लीजिए कि इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता भी है तो ऐसे में इन तीनों देश को ही नुकसान होने वाला है, और ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि युद्ध हो और उनके देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाए। रशिया में अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है और अमेरिका कब धोखा दे देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, अमेरिका किसी की तरफ नहीं है, वो ये चाहेगा कि युद्ध हो और उसका फायदा हो, अमेरिका भी काफी लॉस में चल रहा है तो वो युद्ध चाहेगा, हथियार बेचेगा और अपने को प्रॉफिट में लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों आप इस बात को मानकर चलिए कि आने वाले समय में आपको ऐसी खबर देखने को मिल सकती है
कि इंडिया और चाइना के बीच फिर से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। इन दोनों ही देशों के बीच फिर से जो अच्छे रिश्ते की शुरुआत है वो हो जाएगी। जिन चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन लगा है वो भी फिर से जारी हो जाएगा। आप पहले की तरह टिकटॉक और पबजी को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी चाइना के साथ और इंडिया के साथ व्यापार चल रहे थे वो पहले की तरह फिर से चलने लगेंगे। और देखिए, आपको एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि मौजूदा दौर में वो भारत के साथ दुश्मनी करने का कोई भी निर्णय ले, क्योंकि भारत आज की डेट में बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और अब की जो नीति और निर्णय है वो सब कुछ साफ है। मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही साफ तरीके से करते हैं। उन्हें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इस बात की जो जानकारी है उन्हें बहुत क्लियर होती है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है, इंडिया के लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। वो हर फैसला बहुत पहले से ही सोच कर रखते हैं। या यूँ कह लें कि शतरंज में जिस तरह से हम आगे की 10 चालियां सोच कर रखते हैं कि हम ये स्टेप लेने वाले हैं, शतरंज में ये करने वाले हैं, उसने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो कैसा हो जाएगा, शतरंज में यही होता है। तो आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका में जो चुनाव हुए, जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो बहुत सारे जो देश की राजनीति है उसमें बहुत कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया और चाइना के बीच सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा? क्या इन दोनों देशों के बीच बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा? दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तो भारत के लिए क्या वो अच्छे साबित होंगे या कोई बहुत बड़ी मुसीबत लेकर सामने आने वाले हैं कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? तीसरी बात, अक्षय कुमार का जो गेम है फौजी, उसको कितना बड़ा लॉस हो सकता है अगर पबजी गेम दोबारा से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा? और ये बात तो तय है कि पबजी गेम लॉन्च हो ही जाएगा। तो इन तीनों ही टॉपिक के ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।